बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, आपकी डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सोनिया शमरोज़ खान आपसे मुखातिब है। सबसे पहले तो मैं आप सबको रमज़ान करीम की मुबारकबाद पेश करती हूँ कि अल्लाह का बड़ा करम है कि अल्लाह ने हमें ये मुबारक महीना इनायत फरमाया। इसके साथ साथ एक बहुत अहम पैगाम जो मैं आप सबको देना चाहती हूँ, आप जैसे आप सबको पता है कि कोरोना बहुत शिद्दत से अपने पर फैला रहा है और बहुत से हमारे जो शहरी हैं वो इसका शिकार हो रहे हैं, और तीसरी लहर जैसे आपको पता है ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, बहुत तेज़ी से फैल रही है एज़ कम्पेयर टू जो पहली फर्स्ट और सेकेंड वेव्स थी। उसी को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपको ये पैगाम देना चाहती हूँ कि बराए मेहरबानी अपना और अपने चाहने वालों का, अपने इर्द गिर्द जो आपके अजीज़ हैं उनका बहुत ख्याल रखें, और जो हुकूमत की जो भी आपके जो भी अहकाम हैं उन पे ज़रूर अमल दरामद करें, जिसमें मास्क का पहनना, मुनासिब फासला रखना, हजूम वाली जगहों से दूर रहना, और अगर आप इबादत के लिए मस्जिद में जा रहे हैं, तरावीह के लिए जाएँ, बेशक आपको कोई मना नहीं करेगा, बेशक आप जाएं, क्योंकि ये मुबारक महीना है और इसमें हम बिल्कुल ये नहीं चाहेंगे कि आप इसकी जो रहमतें हैं उनको समेट ना सकें। तो बराए मेहरबानी जब आप मस्जिद में जाएं तो घर से वजू करके जाएं और अपने जा नमाज लेके जाएं, और जब जा नमाज भी जाएँ तो एक मुनासिब फासला रखें। इससे एक तो आपकी अपनी सेहत पर भी अच्छा असर पड़ेगा, आप भी कोरोना से महफूज रहेंगे, और खुदा ना खास्ता अगर कोई शख्स एसिम्टोमेटिक है या कोई बंदे किसी को खुदा ना खास्ता कोरोना है और उसको पता नहीं है कि मुझे कोरोना का मर्ज़ है, तो उससे दूसरे जो उसके अजीज़ और दूसरे जो आपके इर्द गिर्द के लोग हैं वो भी महफूज रहेंगे। तो बराए मेहरबानी आप सबसे मेरी गुजारिश है कि आप अपनी सेहत का भी बहुत ख्याल रखें, आपकी सेहत बहुत ज़रूरी है, और इसके अलावा आपके जो चाहने वाले आपके अजीज़ और अकारिब या आपके जो जिस ऑफिस में आप काम करते हैं, जिधर भी आप काम करते हैं, उनकी सेहत के लिए भी ज़रूरी है कि आप कोरोना 120 का ख्याल रखें। फिर भी दोहराऊंगी, आप मास्क पहनें, मुनासिब फासला रखें, हजूम वाली जगहों से परहेज़ करें, गैर ज़रूरी घर से बाहर ना जाएं, और जब आप मस्जिद में जाएं जिसमें इज्तिमाई इबादत हो तो बराए मेहरबानी वजू घर से करके जाइए, अपना जानमाज साथ लेके जाइए, और मुनासिब फासले पे आप अपना जानमाज बिठाएं, ताकि आप इन मुबारक महीने की जो रहमतें हैं वो भी समेट सकें और सेहतमंद ज़िंदगी भी गुजार सकें। शुक्रिया।